हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करेंगे अपना एक आलेख समय आधारित रेखा आकृति, यानी कि वक्त के एतबार से हम उसका एक आलेख बनाएंगे, रेखा आकृति यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल हमारे पास में है, पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है, इसमें लिखा है समय का यानी कि वक्त का एतबार साल के मुताबिक और आबादी की टकावारी यानी कि आबादी कौन से साल में कितनी थी, कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि 1951 से लेकर 1961 तक के अंदर जो आबादी थी वो 21.64 थी। उसके बाद 1961 के अंदर से 1961 से लेकर 1971 तक 24.80 हुई। 1971 से लेकर 1981 के अंदर 24.66 हुई। 1981 से लेकर 1991 तक में 23.87 हुई और 1991 से लेकर 2001 तक में आबादी जो थी वो 21.54 हुई। अब इस आंकड़े को हम इस आलेख के अंदर बताएं। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज और जाननी है कि आलेख बनाने से पहले थोड़ी बहुत चीजें हम लोग आलेख के बारे में समझते हैं। हमारे पास आलेख की दो भाग धरे हैं यानी कि दो सपाटी है, एक खड़ी लाइन है हमारे पास जिसको खड़ी सपाटी बोलते हैं, एक आड़ी लाइन है जिसको आड़ी सपाटी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो ओ से लेकर एक्स यानी जिसको बोलेंगे हम साइड के हिसाब से ओ एक्स आड़ी सपाटी, और दूसरी सपाटी जो हमारे खड़ी लाइन के हिसाब से उसको नाम देंगे हम ओ वाई। यानी यहाँ पर हम लोग को पहले ये जानना है कि यहाँ दो जो चीजें दी है कि ओ एक्स और ओ वाई, तो ओ एक्स क्या बताता है और ओ वाई क्या बताता है। तो ओ एक्स के अंदर हमारे पास जो चीज है यानी ओ एक्स के अंदर वो चीज बताई जाती है जिसके अंदर वक्त से पहले कभी बदलाव नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ओ एक्स के अंदर जो जल्दी से बदलाव नहीं होता उसके बारे में जानेंगे, और ओ वाई के अंदर क्या बताया जाता है कि ओ वाई के अंदर कि जिसके अंदर जल्दी से बदलाव आता है। तो हम सब पहले इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग को दिया गया है समय के मुताबिक जो साल दिया गया है 1951 से लेकर 61 तक की बात है, जिसके अंदर आंकड़े हमको बताया था 21.64। तो हम लोग को यहाँ पर जो अंतर देना है, डिस्टेंस देना है, तो हमारे पास जो स्केल होता है, हमारे पास जो फुलपट्टी होती है, तो हमारी फुलपट्टी के अंदर क्या होता है, माप होता है। तो हम लोग इंच के एतबार से भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो हम किस तरीके से माप लेंगे, तो माप कैसे तय होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो हम लोग को टकावारी दी गई यानी कि जो चीज ओ वाई के ऊपर बतानी है उस चीज को हम लोग आंकड़े के रूप में लेंगे, यानी हमको सेंटीमीटर लेना है, इंच लेना है। अब यहाँ ओ वाई के ऊपर क्या है कि 5 का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 25, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जब कोई बड़ी रकम होती है तो डिस्टेंस बढ़ भी जाता है, या छोटी रकम है तो डिस्टेंस कम है, बड़ी रकम होगी तो डिस्टेंस बड़ा भी होगा। जैसे यहाँ 5-5 का डिस्टेंस दिया, यहाँ रकम छोटी है, हमारे पास 21 से लेकर 24 तक की रकम थी इसके लिए हमने 5-5 का डिफरेंट दिया है। यहाँ पर अगर बड़ी रकम होती तो हम 10-10 का भी ले सकते थे, 20 का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते थे, जैसी रकम। तो सबसे पहली चीज ओ आई के ऊपर जानकर हम लोग उसका डिस्टेंस लेना है, और ओ एक्स के ऊपर हमने क्या दर्शाया, साल को दर्शाया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज हमको दी यहाँ पर 1951 से लेकर 1961 तक, इसके अंदर आबादी की टकावारी जो थी वो 21.64 थी। तो अब इसको बताएंगे कि 21 कहाँ होगा, तो हम लोग 1951 से 61 यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग को जाना कहाँ तक है, 21.64 तक जाना। तो अब इसको इस लाइन के हिसाब से 21 का आता था, यहाँ पर आपको 20 दिखाई दे रहा है। अब इसके और इसके दरमियान में 5 का फासला था, हम अपने हिसाब से फुलपट्टी के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 एकदम फासला तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है 21 यहाँ पर, इसका मतलब ये लाइन को यहाँ 21 के ऊपर आने पर पॉइंट रखना है इस तरीके से, यानी हमने पॉइंट उसके ऊपर बना लिया। अब ये पॉइंट क्या बताएगा, क्योंकि भाई ये बता रहा है कि 1951 से लेकर 61 तक की जो आबादी का वृद्धि दर जो था, टकावारी पैदावार का, वो कितना था, 21.64 था। कौन से साल में, तो 51 से 61 के साल में। उसके बाद हमको बताया 1961 से लेकर 1971 के अंदर आबादी कितनी थी, 24.80 थी। अब हमारे 1961 से 71 यहाँ पर है, और 25 या 25 से कम रकम हमको दी है, यानी कि 25 के नीचे वाली लाइन में, और इसकी सीधी लाइन हमको देखकर यहाँ पर बिंदु बनाना है इस तरीके से।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में दूसरे से इस तरीके से जोड़ देना। उसके बाद हम लोग को दिया है पर 1971 से लेकर 1981, जिसके अंदर आबादी हम लोग को बताया गया 24.66। ये 1971 से 81 है, ये इसका 64 कहाँ है, यानी 24 कहाँ है, 24 भी इसकी रकम के हिसाब से यानी करीब नहीं है। हम लोग वहां पर भी सकते सर बिंदु बना देंगे, जीरो बना देंगे उसका। उसके बाद 1981 से लेकर 1991 तक पे अगर 23.87, यानी कि हम इसको थोड़ा और नीचे से लेते हैं, उसकी लाइन के हिसाब से नीचे बनाएंगे थोड़ा, हम इस तरीके से इसको जोड़ते चले साथ में। उसके बाद 1951 से लेकर 2001 तक में आबादी की जो सतह थी वो 31.54 थी, तो 20 से थोड़ा ऊपर रखकर हम लोग इसके लेवल के हिसाब से लेकर आएंगे और वहां पर भी बिंदु बनाकर इसको जोड़ देंगे। यानी ये हमारा आलेख कंप्लीट हुआ। ये आलेख को हम लोग क्या कहेंगे, समय आधारित रेखा आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखा, यानी कि एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक लाइन हमने बना दी, इस लाइन को रेखा कहा जाता है, रेख। तो इस तरीके से ये आलेख हमने पूरा तैयार किया है। जिस तरीके से हम लोग को यहाँ चीज समझनी थी कि भाई ओ एस को और ओ वाई दोनों को आपस में एक दूसरे से इस तरीके से लेवल में लाना था, ताकि हमारा आलेख एकदम सही से मिल जाए। जिस तरीके से हम आलेख के बारे में समझेंगे उतना आसान है, क्योंकि हमारे को बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये आलेख 5 मार्क्स के अंदर पूछाते हैं। ज्यादातर आलेख जो होता है वो स्तंभ आलेख होता है, जो हमने इसके 5वें 6वें नंबर के ऊपर पढ़ा था। अब हम इसके बाद दूसरा आलेख तैयार करते हैं।